और ये 2024 का तो वारंटी नहीं। लोड बॉडी की साइज की बात के पीछे का व्यू, अगर GBW की बात तो पेलोड आपको इकल में इंजन आप हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं सोनू, स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ट्रक पे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है टाटा का LPT 712 BA6 फेज 2 2024 मॉडल। करेंगे इसका फुल रिव्यू, जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ देखने को मिलता है इस व्हीकल में आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बड़ा सा विंड ग्लास देखने को मिल जाता है, ऊपर में दो सिग्नल के लिए इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो वाइपर मिलते हैं, ग्रैब हैंडल मिलता है ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स मिल जाते हैं व्हाइट कलर के। यहाँ पे आपको 712 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और जस्ट उसके नीचे में TATA लिखा हुआ क्रोम फिनिश में टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। और नीचे की बात करें तो रेडिएटर के लिए कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही दिख रहा है। और यहाँ पे आपको चमकता हुआ टाटा का मेन लोगो देखने को मिलता है। और साइड की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हेडलाइट फुल्ली हैलोजन में देखने को मिलता है और इंडिकेटर आपको साइड में हैलोजन में ही देखने को मिलता है। और फिर नीचे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल का बम्पर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक उसका गार्ड भी मिलता है जैसे इसको प्रोटेक्ट रखे इस बम्पर को और नीचे वाले रेडिएटर को। और यहाँ पे देख सकते हैं टोचन पिन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉग लाइट लगाने का स्पेस मिल जाता है और उस साइड में भी मिलता है आपको। और चलिए फ्रेंड इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो ग्लास मिल जाते हैं पीछे देखने के लिए, एक वाइड एंगल एक शॉर्ट एंगल देखने के लिए। यहाँ पे गेट खोलने के लिए मिल जाता है, ये लॉकेबल गेट है। और यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी का स्टिकर देखने को मिलेगा, टाटा मोटर फ्लीटेज इनसाइड का स्टिकर देखने को मिलता है। और फ्रेंड मैं टाटा मोटर फ्लीटेज इनसाइड से एक फीचर बताना चाहता हूँ जो कि व्हीकल्स में आजकल लग के आ रही है। एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरी व्हीकल कहाँ पे है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्या डीजल है व्हीकल में, क्या यूरिया है और भी तरह तरह की जानकारी जो भी व्हीकल से रिलेटेड है सारा आपको फ़ोन पे देखने को मिलता है, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाती है अपनी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए। और ये एक अच्छा फीचर है टाटा मोटर की तरफ से जो कि व्हीकल को और ऑनर को आपस में कनेक्ट रखती है बिना कोई फ़ोन कॉल के। और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे टायर देख सकते हैं इसमें 16 इंच के लगे हुए हैं, 8.25R/16LT। और ये अपोलो का लगा हुआ है, डिफरेंट कंपनी के भी आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर कुछ ऐसा मिलता है देखने को। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड दो जार मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाता है स्टीयरिंग ऑयल के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट के लिए मिल जाता है जार। और नीचे की बात करें तो जस्ट उसके नीचे में मडगार्ड और रबर के पैड कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे दो डीएल फिल्टर मिलते हैं, पहले वाले में आगे आता था लेकिन अब मैं यहाँ पे कर दिया गया जिससे कि ये सर्विस वगैरह करने में काफ़ी सही हो जाता है और इसमें धूल मिट्टी भी बहुत कम लगती है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट उसके बगल में डेप टैंक मिलता है आपको जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 18 लीटर के साथ में आती है। और फ्रेंड डेप से मैं बताना चाहूँगा मतलब यूरिया से, अगर आप इसमें बाहर का यूरिया डालते हैं तो इस कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको वारंटी देने में मना कर सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान दें और बाहर का डेप यूज़ ना करें, कंपनी का डेप यूज़ करें जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी तरह का दिक्कत आए यूरिया सिस्टम से रिलेटेड, ATS सिस्टम से रिलेटेड, तो कंपनी में आपको वारंटी देने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। और इसकी अगर ATS सिस्टम की पूरी की बात करें तो 2.5-3 लाख का आता है फ्रेंड, और ये टैंक ही 50,000-57,000 तक का आता है क्योंकि इसमें नीचे में मोटर लगा हुआ है, डोजर लगा हुआ है और इंजेक्टर भी काफ़ी महंगा है इस। और फ्रेंड देख सकते हैं डीजल टैंक जो कि पहले वाले में मेटल का देखने को मिलता था और अब में देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में देखने को मिलती है जिसका फिनिशिंग काफ़ी सही है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है 90 लीटर। और कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है मतलब SCV वाला डिज़ाइन आप थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया गया है क्योंकि टैंक का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसकी लोड बॉडी काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हुक्स भी मिल जाता है आपको तिरपाल वगैरह लगाने के लिए, ऊपर में रेलिंग्स भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सचर मिलता है जिससे कि मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। और टाटा का लोड बॉडी और बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप जानते ही है, किंग है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और फ्रेंड इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 14 फीट की देखने को मिलती है और जो चौड़ाई है वो 6 फीट का मिलता है और हाइट आपको 5 फीट का देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मडगार्ड फाइबर के डाले जा रहे हैं ताकि कीचड़ वगैरह ज़्यादा नहीं गाड़ी में उड़े पानी वगैरह के टाइम में। और देख सकते हैं टायर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये 4 चक्के में आती है, आपको 6 चक्के वाला भी लेना तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है अगर आपको ज़रूरत लगे तो वो भी आप जा करके वेबसाइट और मेरे आने वाले टाइम में वीडियोस में भी आप देख पाएंगे।
और फ्रेंड चलिए इसका इस साइड दिखाते हैं, इस साइड में और क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इसका पीछे का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर में भी आपको रेलिंग्स मिल जाते हैं, आपको यू शेप में क्लैंप देखने को मिल जाता है जिससे कि आपको यहाँ से रस्सा वगैरह लगा के आराम से पैक कर सकते हैं फुल कैबिन को। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है इसको ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर में देख सकते हैं लाइट मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए रेड कलर के। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको पंच किया और टाटा का लोगो मिलेगा, यहाँ सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं और नीचे में भी आपको स्ट्रैप्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग सेंसर 4 देखने को मिल जाते हैं। और टेल लाइट की बात करें तो फ्रेंड इस व्हीकल में टेल लाइट आपको फुली LED में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ब्राइट है और कम पावर कंज्यूम करती है। और नीचे में देख सकते हैं हैवी ड्यूटी बम्पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, और उसके जस्ट पीछे में ही आपको स्टेपनी वाला टायर देखने को मिलता है जहाँ से आप आराम से टूल वगैरह लगा के नीचे उतार के अपने काम में ले सकते हैं। और फ्रेंड चलिए आपको इस साइड दिखाते हैं इस साइड में और क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इस साइड का प्रोफाइल सिमिलर उसी साइड का जैसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एयर टैंक मिलता है, और एयर टैंक से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड इस व्हीकल में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ की गई है वो न्यूमेटिक ब्रेक यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी 12 वोल्ट के लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको उसका कटआउट स्विच मिल जाता है। अगर आप व्हीकल को ज़्यादा समय के लिए खड़ा कर रहे हैं तो प्लीज़ कटआउट स्विच को कट कर दें जिससे कि आपका बैटरी कंजप्शन ज़्यादा ना हो और आपकी व्हीकल सुबह में स्टार्ट होने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना करे। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर GBW की बात करें तो 7.5 टन का देखने को मिलता है, और इसकी अगर पेलोड की बात करें तो 4 टन का देखने को मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर का स्नॉर्कल कुछ ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से आपका ऊपर से वेंट है और नीचे में यहाँ एयर फिल्टर होकर के इंजन की तरफ जाएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, टाटा मोटर देती है यहाँ पे स्टिकर, क्लीन ऑफ एयर फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड इफ क्लीन रिक्स टू इंजन इज 100%। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं टाटा मोटर सीधे लिख के दे रही है अगर एयर फिल्टर को आप क्लीन करते हैं तो आपका इंजन में रिक्स आ सकता है। और जानते ही अगर कंपनी के थ्रू आप नहीं गाड़ी को यूज़ करते हैं तो कंपनी आपको वारंटी भी नहीं देती है, तो इस चीज़ से बचे जो लिखी है तो उसको आप फॉलो ज़रूर करें। कंपनी ऐसे ही नहीं लिखती है कोई भी चीज़ को, कोई भी स्टिकर को। और आपको अगर लगे कि एयर फिल्टर में अब दिक्कत है, चौक हो चुका है, या फिर कोई भी तरह का अगर कोई टेक्नीशियन बताता है तो डायरेक्ट चेंज करवा दे। आप सोचे ही ना कि इसको क्लीन करा के हम कुछ दिन चला लें, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। और इस फ्रेंड कुछ ऐसा आपको साइड पर मिलता है, यहाँ पे 3 मिरर मिल जाते हैं, एक आपका नीचे देखने के लिए अगर को पायलट नहीं रहता है तो आप इस मिरर को यूज़ करके नीचे। और यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाते हैं जैसा कि देख सकते हैं, ये एक्चुअली में टिल्टवेल केबिन है, इसे सारा ऑपरेशन दिए हुए हैं, इसको आप देख करके यूज़ में ले सकते हैं। और मैं बता भी देता हूँ आपको, यहाँ से जैसे इसको आप ये लीवर इसको ऊपर कीजिएगा ऐसे खींच करके, और ये वाला नट आपको हटाना होगा, उसके बाद आप आराम से अकेला बंदा भी इसको टिल्ट कर सकता है। और फ्रेंड चलिए इसका कैबिन के अंदर का व्यू दिखाते हैं, कैबिन में क्या कुछ मिलता है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग गेट से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड गेट में देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है गेट खोलने के लिए, ऊपर में आपको गेट लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है, ये मैनुअल लॉक है। और यहाँ पे देख सकते हैं खींच के बंद करने के लिए मिलता है, यहाँ से आप ग्लास को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बोतल होल्ड कर सकते हैं, और इस साइड में कुछ रख सकते हैं पेपर वगैरह या कुछ भी आप रखना चाहते हैं। और चलिए फ्रेंड अंदर चलते हैं कैबिन में। और फ्रेंड जैसा कि हम लोग कैबिन के अंदर आ गए हैं, कैबिन का भी कुछ ऐसा मिलता देखने को। और देख सकते हैं मैं अब पायलट वाले सीट पे जाऊंगा, मतलब ड्राइविंग वाले सीट, जिसके लिए मैं इधर ही से आराम से जा सकता हूं, मुझे घूम के जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में व्हीकल्स अनलोड या लोडिंग एरिया में खड़ी होती है कि उस साइड आप गेट नहीं खोल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत भी आता है तो आप इधर से आराम से जा सकते हैं। देख सकते हैं इधर से हम ऐसे आराम से जा सकते हैं। एक्चुअली मैं आप टाटा जितनी भी LCV सेगमेंट की व्हीकल है जिसमें हो पाए उसमें आपको वॉक थ्रू केबिन दे रही है जिससे कि ड्राइवर को कोई तरह का परेशानी ना हो। फ्रेंड देख सकते हैं आपके व्हीकल में एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं जैक यहाँ पे अब माउंट कर दिया गया है पूरा नट बोल्ट के थ्रू, यह कहीं जाएगा नहीं जब तक नट बोल्ट आप खोल करके इसको बाहर नहीं करते हैं। पहले वाले व्हीकल्स में क्या होता था फ्रेंड, पीछे में यहाँ पे जैक रख दिया जाता था, ड्राइवर रख देते थे, जिससे कि होता था कि कभी सर्विस वगैरह का काम हो और ध्यान में ना रहे कि मेरा जैक पीछे रखा हुआ है, केबिन जैसे टिल्ट कर यहाँ वाला जैक यहाँ से उठ करके यहाँ लगता था शीशा में, जिसके कारण शीशा फूट जाता था, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता था। और इसी और ये सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है, इसके लिए टाटा मोटर्स अब सेफ्टी पे ध्यान देते हुए वहाँ पे लगाई है जैक को। और फ्रेंड देख सकते हैं आपको इसमें टूल किट भी देखने को मिल जाता है, इसे देख सकते हैं टाटा मोटर टूल किट, और यहाँ पे इतने सारे सामान आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सर्विस बुक मिल जाएगा आपको, मेडिकिट मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ स्पैनर्स मिल जाते हैं, और आपको रिफ्लेक्टर वाला मिलता है, और कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है, कॉम्पैक्ट सा बॉक्स में डाल दिया गया जिससे कि आपको रखने वगैरह में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। और एक आपको टायर लीवर तो देखने को मिलता है जिससे कि आप टायर खोल सकते हैं और लगा सकते हैं, जो कि नीचे रखा हुआ है। और फ्रेंड देख सकते हैं कैबिन के अंदर का व्यू, सीट काफ़ी कंफर्टेबल सा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिलता है। तो जितने भी ड्राइवर भाई मेरा वीडियोज़ को देखते हैं प्लीज़ सीट बेल्ट को लगाएं ताकि आप सेफ रहें। और कुछ ऐसा आपको पोस्चर मिलता है बैठने का, और
स्टार्ट करते हैं स्टेयरिंग व्हील से। स्टेयरिंग व्हील देख सकते हैं फ्रंट, काफ़ी नया डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, न्यू जनरेशन वाला। और देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल में टाटा का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे हॉर्न के लिए बटन मिलते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं फ्रेंड, सारे व्हीकल्स में यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता था, लेकिन इसमें कंसोल देखने को मिलता है, जिससे कि आप म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, मतलब म्यूजिक सिस्टम के लिए सारा ऑपरेशन यहीं से आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं यहीं से। और उसके जस्ट नीचे में फ्रेंड देख सकते हैं वाइपर के लिए कंट्रोल मिल जाता है, और इसमें एक बटन भी मिलता है जिससे कि आप क्रूज कंट्रोल को ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। और इस साइड में आपको इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं ये फुली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका लीवर मिल जाता है कुछ ऐसा, इसको आप नीचे करके आराम से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे किया हुआ था तो मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैं ऐसे करके आराम से इसको यहाँ पे लॉक करके अब आराम से व्हीकल को चला सकता हूँ। अगर आप हाइट ज़्यादा तो आप ऐसे रख लें। और फ्रेंड देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर न्यू जनरेशन वाला देखने को मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चार एनालॉग मीटर मिल जाते हैं आपको, मिडिल में आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें कि आपको ओडोमीटर रेटिंग मिलेगा, ट्रिप का मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा, जैसे कि 13.2 यहाँ पे माइलेज, मतलब इसमें आपको माइलेज आपको 10 से 12 का देखने को मिलता है, लेकिन ये व्हीकल खाली चली है इसीलिए 13.2 का देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एयर प्रेशर का गेज मिलेगा, यहाँ हेवी और लाइट मोड का देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे डेप का गेज मिलेगा, यहाँ बैटरी वोल्टेज, यहाँ टाइम। और जो एनालॉग मीटर है उसमें आपको यहाँ पे इंजन टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फ्यूल का गेज मिलेगा। और जैसे फिर यहाँ नीचे में चार बटन मिल जाते हैं, जिससे कि आप टाइम और अपना ट्रिप को सेट कर सकते हैं। और मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाता है। और फिर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए स्विच मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली काम करता है, और यहाँ पर ब्लोवर का मिल जाता है वेंट। और नीचे में देख सकते हैं स्पीकर मिल जाता है क्योंकि इस व्हीकल में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन ब्रेक के लिए मिलता है, और यहाँ पे हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। और जस्ट इस साइड में फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको रीजनरेशन स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए बटन मिलते हैं, हेवी मोड लाइट मोड मिल जाता है, जिससे कि आपका फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी सही हो जाता है। अगर आप लोडिंग वाले एरिया मतलब चढ़ाई में लोड करके चढ़ रहे हैं, आपका व्हीकल कम पावर दे रही है, तो आप इस हेवी वाले को दबा दें और लगे कि आपको व्हीकल सही चल रही है, कोई तरह का मतलब एक्स्ट्रा पावर नहीं लगाना पड़ रहा, तो लाइट मोड में चले, जिससे कि आपका एवरेज काफ़ी सही रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग के लिए ब्रेक मिल जाते हैं, और इसको ढलान वगैरह में लगाना है तो ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पे हेल्प का बटन देखने को मिलता है, और जस्ट इस साइड में देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे भी ब्लोवर के लिए मिल जाते हैं वेंट, और यहाँ पे आपका चार्जिंग के लिए पॉट मिल जाता है, जैसे फ़ोन वगैरह चार्ज लगाना तो यहाँ से आप यूएसबी लगा के यहाँ पे आप रख सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं यहाँ ब्लोवर के लिए नॉब मिल जाते हैं, और इसमें इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि टाटा की तरफ से है, और दो स्पीकर मिलते हैं इसमें आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं सिगरेट लाइटर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और जस्ट उस साइड में देख सकते हैं फ्रेंड वहाँ पे भी आपको ब्लोवर के लिए वेंट मिल जाते हैं, और म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका मतलब पायलट और को पायलट के बीच की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आराम से आर्मरेस्ट के लिए मिल जाता है, आप एक हाथ से अगर चलाना चाहें या रखना चाहें तो रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है। और यहाँ पे कुछ आप होल्ड भी में एडजस्ट पीछे में आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये प्रीमियम कार सब में देखने को मिलता है, लेकिन अब टाटा अपने ट्रक्स में भी डाल रही है ताकि ड्राइवर को ऐसा फील ना हो कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, उसको लगे कि मैं कोई प्रीमियम क्लास की व्हीकल्स को चला रहा हूँ। और देख सकते हैं पीछे में भी स्नैक्स वगैरह रखने के लिए, बोतल वगैरह रखने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, उसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। और जस्ट आपको ऊपर में एयर वेंटिलेशन के लिए मिल जाते हैं विंडो, जैसा कि देख सकते हैं, और ऊपर में यहाँ पे आपको केबिन के लिए लाइट मिल जाते हैं एलईडी में। और फ्रेंड सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें एक पायलट और दो को पायलट आराम से बैठ के जा सकते हैं, जो कि आरटीओ में भी पास है, और ये काफ़ी सही बात है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दो सीट बेल्ट मिलते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तीन आदमी के लिए आराम से पास है, तभी कंपनी सीट बेल्ट लगाती है, ऐसे कंपनी सीट बेल्ट नहीं लगा के देती है। और फ्रेंड गियर बॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं इसके लीवर 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स, मतलब 5 गियर और एक रिवर्स देखने को मिलता है, जिससे 5 गियर हो जाने से फ्रेंड आपका व्हीकल का पावर काफ़ी सही निकल के आता है, माइलेज वगैरह काफ़ी सही देती है। और जस्ट ऊपर देख सकते हैं यहाँ रूफ आपको सॉफ्ट रूफ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ सामान वगैरह फाइल वगैरह अपना गाड़ी का आराम से कैरी कर सकते हैं, ये भी फाइबर बिल्ड में है। और यहाँ पे आपको सनवाइजर देखने को मिलता है कुछ ऐसा, और ये पायलट ये को पायलट दोनों के साइड में देखने को मिलता है, जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अंदर का व्यू देखा, अंदर का व्यू कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट में, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको 4 सिलेंडर का मिलता है टाटा की तरफ से, और मैक्सिमम पावर की बात करें तो 125 पीएस की देखने को मिलती है 2800 rpm पे, और मैक्सिमम टॉर्क है आपको वो काफी कमाल का देखने को मिलता है 360 Nm का 1400 से 1800 rpm। इंजन आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है। और फ्रेंड 712 मॉडल में पहले आती थी 2023-2022 में 3.3 लीटर, लेकिन अब आपको इसमें 4 HP CR इंजन देखने को मिलता है जो कि 407 वाला इंजन है। ये इंजन काफी ड्यूरेबल होती है। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की देखने को मिलती है अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह कराते हैं। तो फ्रेंड अपने व्हीकल को टाइम टू टाइम सर्विस कराएं जिससे कि आपको वारंटी वगैरह मिलने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप जानते ही हैं पार्ट्स अब काफी महंगा हो चुका है BS6 जब से हुई है व्हीकल्स। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस एक्स शोरूम दिल्ली आपको 15,70,000 से शुरू हो जाती है, जो कि साइड टू साइड वेरी करती है। अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी तरह क्वेरी होगा फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही ट्रक कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो जल्दी मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।